पंजाब में कांग्रेस के खेमे में जो कलह बढ़ती जा रही है उसका समाधान अब तक पार्टी ने नहीं निकाला है। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सिद्धू के इस्तीफे पर अब तक कोई फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं सुनाया है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस से बाहर होंगे सिद्धू, ये पोल खोल दी है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से अपना रवैया दिखाया है, जिस तरह से अपना गुस्सा अपनी ही पार्टी के प्रति दिखाया है, उसके बाद से सिद्धू को यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए भी कहा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मोहन सिंह छीना ने सिद्धू को लेकर एक बड़ी बात कही है। छीना ने कहा है कि सिद्धू मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर हो जाने चाहिए। यहाँ पर राजेंद्र मोहन सिंह नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अफसरधारी और दलबदलू नेता हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार पार्टियां बदलते हैं, राजनीति के अखाड़े में उनका कोई स्टैंड नहीं है। नाटकबाजी के अलावा जनता की भलाई के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कुछ पेश नहीं कर पाए हैं। सिद्धू की काबिलियत पर यह बड़ा बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मोहन सिंह छीना ने दिया है, जो इस वक्त चारों ओर चर्चा बटोर रहा है। और ये सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा दे देना चाहिए। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।